नमस्कार, मैं अमित सिंह दवाया के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है रेप के एक मामले में। इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग त्रिपाठी जी ने इस मामले को लेकर आज के करीबन 10 साल पहले 2007 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके जरिए यह मामला मीडिया की नजर में आया था, सुर्खियों में आया था। हम उनसे इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या था उस स्टिंग में और क्या अभी जो फैसला आया है, क्या आपके ऐसी उम्मीद थी ऐसे फैसले आने की और क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम स्टिंग के दौरान? देखिए, आपके पहले सवाल से शुरू करते हैं कि एक्चुअली उस स्टिंग के दौरान क्या हुआ था। स्टिंग में उस समय हम लोगों ने नया नया तहलका ज्वाइन किया था 2007 में, और अब वो याद होगा एक रामचंद्र छत्रपति जी हुआ करते थे, उन्होंने अपना पेपर चलाते थे वो पूरा सच करके। तो उनका पॉइंट, उन्होंने डेरे में रह करके डेरे के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, लीगल एक्टिविटीज जो होती हैं उसके लेकर के उन्होंने एक लेख लिखा था अपने पेपर में, और उनके कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। एलिगेशन ये था कि गुरमीत राम रहीम सिंह के लोगों ने उनको मर्डर कराया है, और उनके घर वाले उस न्याय के लिए ढूंढ रहे थे, उनके रिलेटिव, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया तहलका को 2007 में, वो अपने साथ में उन्होंने आए, उन्होंने सारी डिटेल लेकर के आए हम लोगों के पास में, और इसके साथ में वो एक चिट्ठी भी लेकर के आए। आपको याद होगा ये चिट्ठी, एक अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 2002 में डेरे के अंदर से एक साध्वी ने चिट्ठी लिखी थी पीएमओ ऑफिस में, और उसने उन्होंने उस चिट्ठी में बताया था कि कैसे उनका दो दो बार शारीरिक शोषण किया है वहाँ गुरमीत राम रहीम सिंह के जो डेरे हैं, और गुरमीत राम रहीम से सीधा आरोप लगाया था कि डेरे के अंदर किस तरह से महिलाओं का रोस्टर लगता है, और नई जो लड़कियाँ आती हैं उनके लिए उनके एजेंट होते हैं, वो तय करते हैं कि आज उनका एलिगेशन था कि आज बाबा के पास में कौन सी लड़की को भेजा जाएगा, और ये किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। उस समय सीबीआई ने उसका कॉग्निजेंस लिया था, जब 2002 की चिट्ठी आई थी वो इंक्वायरी अपने पेस से जैसे भी धीरे करते करते जैसे खिसक रही थी। जब 2007 में वो चिट्ठी के साथ में उन्होंने हमें अप्रोच किया तो और छत्रपति के वाले डिटेल मिले, तो हमारे उस समय इन्वेस्टिगेशन के एडिटर हुआ करती थी हरिंदर बवेजा, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, देश के बहुत ही चर्चित और बहुत ही कहते हैं डेयर डेविल टाइप के एटीट्यूड वाली एडिटर हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने कॉल ली कि इसको शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में उसने सहयोगी हमारे हुआ करते थे आत्मा देखा, और हमने उसको एक थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करी और जा करके हम सिरसा पहुँचे। जब हम सिरसा पहुँचे, जब बड़ा हुआ था मुझे टोक दीजिए, जब हम सिरसा पहुँचे तो हमने देखा कि सिरसा में जो शहर है वो पूरी तरीके से दो हिस्सों में बटा हुआ, जैसे कि आप किसी मूवी में देखते हैं कि बड़ा एक गैंगस्टर है उसका पूरे शहर के ऊपर उसका कब्जा है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक चौराहा है सिरसा का, मेन चौराहा है, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा सिरसा के चौराहे पे कि वो एक रास्ता है जो आम लोग रहते हैं, और दूसरे रास्ते पे जब एक डेरा की तरफ रोड जाती है उसमें जितनी भी आप दुकानें देखेंगे, छोटी से बड़ी जितनी दुकानें हैं, सबके ऊपर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा लिखा हुआ है, और वो पूरी रोड है और हर तरफ डेरा के फॉलोअर हैं। और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे उस रोड पे कुछ 500-600 मीटर की दूरी में तो आपको एक बड़ा सा एक फोर्टिफाइड किले नुमा आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, उसको पुराना डेरा कहते हैं, और वो ऐसा है कि उसमें छोटे छोटे मोखते बने हैं, छोटे छोटे खिड़कियां बनी हुई हैं जो जिनके आप से गन लगा करके कहीं पर शूट कर सकते हैं, और उसके अंदर मतलब अभेद किला टाइप का अगर आप देखें, बड़ा आश्चर्य होगा आज के ज़माने में कितना उस तरह का जो बनाया गया है। और उसके जब आप चंद आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे गुरमीत राम रहीम सिंह का मेन डेरा दिखेगा, वो उसमें आपको ब्लैक कैट कमांडो टाइप के लोग दिखेंगे, लंबे चौड़े अपने वो बाबा का सिक्योरिटी लिए हुए, वेपन्स लिए हुए, सब ले करके अपना करते हैं। तो हम लोगों ने उस पर करने की कोशिश करी डेरे के अंदर, हम लोगों ने किसी तरह से अपने को अपने तरीके से जिससे करते हैं हम लोग करके हम लोग डेरे के अंदर एंट्री ली, डेरे के अंदर हम लोगों से बात करने की कोशिश करी, और वहाँ के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं ये जब हम लोग को थोड़ा आइडिया हो गया तो हम लोग फिर उसके बाद में छुप करके वहीं पे रहने लगे, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, हम लोग सिरसा में ही बेस हो गए, और करीब 1.5-2 महीने के हम लोग फिर छत्रपति के परिवार वालों से मिले, और हमने कोशिश करी और लोगों से मिलने की जिनके जो आते हैं थोड़ा थोड़ा कंप्लेन जिनकी आती रहती है छोटे छोटे लोकल डिलीज में, तो उनसे करके फिर हमें लीड मिली कि एक बंदा है उसका नाम है खट्टा सिंह, और खट्टा सिंह का बाबा से फॉल आउट हो गया। खट्टा सिंह वो आदमी था जो बाबा का बहुत करीबी माना जाता था, और कहा जाता था कि उसके फॉलोआउट होने के बाद खट्टा सिंह अपनी जान का उसको खतरा था, वो इधर उधर घूम रहा था
सीबीआई को भी अप्रोच कर चुका था उस समय वो। तो क्या खट्टा सिंह इस मामले में गवाह हैं? जी सीबीआई के गवाह हैं वो। अच्छा। फिर खट्टा सिंह को हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था, उसको कोई बाबा के लोग भी उसको ढूंढ रहे थे, तो वो अपने लोकेशन बाबा चेंज करता था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अपने फोन नंबर चेंज कर देता था, वो उनसे कमिट करता था कि आप यहाँ पे आकर के मिलिए, पलवल में आके मिलिए, तो हम लोग रात रोज पलवल जाते थे, इस ढाबे पे मिलिए, फिर वो ढाबे पे हम लोग देता, फिर वहाँ से वो चला जाता था, आता ही नहीं था, कहता मैं तो हूँ नहीं हूँ, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। इस तरह से उसने हम लोगों को करीब ये मान के चलिए 2-2.5 महीने उन्होंने हमको खट्टा सिंह ने, जब उसको पूरा विश्वास हो गया तो उसने कपिल देव के होटल मतलब चंडीगढ़ में एक होटल है वहाँ पर उन्होंने हमको मिलने के लिए बुलाया। तो अब उस होटल में हम लोग गए और उस होटल में हमने क्या किया कि जब खट्टा सिंह आने वाला था तो एक अजीब सी बात है कि जब आप इस तरह की खबरें करते हैं थोड़ा आपको प्रिकॉशन भी लेके चलना होता है कि कहीं ये रिस्क जो है कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं आप लेते हैं। तो हम उस होटल में छत पे चले गए, शाम को मुझे याद है 7:30-8 बजे का समय होगा और हमने छत पे चले गए और छत से क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ में जो होटल्स हैं वहाँ पे उसकी जो छतें हैं वो बिल्कुल एक बराबर है, तो हम लोग को लगा अगर कुछ ऐसा होता है तो हम दूसरी से खुद कर तीसरे होटल से निकल करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो मैंने ऊपर खट्टा सिंह को फ़ोन लगाया, उसने कहा मैं आ गया हूँ। तो मैंने उसको देखा तो था नहीं उससे पहले, लेकिन मैंने देखा एक आदमी वो फ़ोन उठा रहा है, उसके साथ 3-4 लोग और भी हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं आप अकेले आने का वादा किया था, आपके साथ तो 3-4 लोग और हैं, हम ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं। कहने नहीं नहीं वो समझ गया कि कहीं से मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा नहीं मैं अकेला आता हूँ ऊपर। तो जब उसने ऊपर अकेले आने का वादा किया तो मेरा सहयोगी से वो नीचे गए, उन्होंने होटल का कमरा जो है रूम का खोल दिया और हम लोग रूम के बिल्कुल दूर जाके खड़े हो गए। जब जैसे वो खुला, हम लोगों ने कहा कि कमरा खुला हुआ है, हम लोग अंदर ही बैठे हुए आ जाइए, जैसे वो अंदर गए हम लोग पीछे से कमरे में गए, हमने जो है स्क्रीन लगा के बैठ गए उसके साथ और सामने कई कैमरे लगा रखे थे। और जब खट्टा सिंह ने बात करना शुरू करी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे डिटेल हम लोगों को मिले जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे, हम कुछ सोच के रहे थे और डिटेल बहुत ज़्यादा मिले। खट्टा सिंह ने हमें बताया कि 7 मर्डर्स के बारे में उसने हमें बताया कि उसका तो जानता है, उनके बारे में जानकारी है। खट्टा सिंह ने जो सबसे इम्पोर्टेंट कन्फेशन किया हमारे उस स्पाई कैंप पे वो ये था कि जो जिसका जिस साध्वी ने लेटर लिखा था उसके भाई की हत्या के बारे में बताया कि वो कैसे हुआ था। एक्चुअली जब लेटर गया पीएमओ के पास में तो ये बात थोड़ा सा कहीं इधर उधर मीडिया में आई कि कोई इस तरह का लेटर आया है, तो देरे में रंजीत उसने उसका खट्टा सिंह ने बताया रंजीत सिंह को जो उसकी उनका भाई था जिनका साथ जिनका साध्वी का जिनका आरोप था उनका भाई था, वो उसको बुलाया और उसका कहा कि इस चीज़ों को मैनेज कर लो। जब भी पता चला कि उसकी बहन के साथ हुआ तो काफ़ी रुष्ट मतलब काफ़ी जाहिर सी बात है उसका जो रिएक्शन था वो काफ़ी गुस्सा हुआ और वहाँ से उसका झगड़ा हो गया, झगड़ा करके वो घर चला गया। तो 2 दिन बाद एक्चुअली बाबा के कुछ लोग जो उनके उनके घर वालों का कहना है और खट्टा सिंह का कहना है कि बाबा के कुछ लोग उसके घर के नीचे आए और कहा ठीक है या बाबा उनसे सुलह करना चाहते हैं। और रंजीत बहुत खास आदमी माना जाता था बाबा का, खास का मतलब आप समझ लीजिए कि उनके लिए वो ट्रबल शूटर टाइप का था, हेंचमैन कह लीजिए आप उसको। और रंजीत को लेकर के गए और रंजीत की हत्या कर दी गई, रंजीत की हत्या कर दी गई। तो इस बारे में उसने जो ये था उसने जो साध्वी के क्लेम को कोरोबरेट किया उसने इस स्टिंग ऑपरेशन में। साथ में आपने सुना आपने देखा होगा कि जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे तो इनके ऊपर कई लोगों को नपुंसक बना देने का आरोप है और 2012 के करीब भी 2012 या 14 के करीब भी कोई मामला आया था, फिर इनके पास नए फ्रेश केसेस भी दर्ज हुए थे। तो उस खट्टा सिंह ने बताया कि किस तरह से लोगों को एकदम अपने कब्जे में हमेशा रखने के लिए कैसे उनके साथी कास्ट्रेशन का जो है काम था और 400 से 600 लोगों के उसने बताया कि 400 से 600 करीब ऐसे लोग हैं जिनके साथ इन्होंने ये कर रखा और इस मामले में इनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा सर, मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले आना चाहता हूँ करंट से ही। आज जब से ये फैसला आया है तब से पंचकुला के बाहर इनके समर्थक जो हैं वो तबाही मचाए हुए हैं, कई गाड़ियों को फूंक दिया है और जगह जगह पे मारपीट कर रहे हैं, इसमें आप प्रशासन की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए साफ साफ मुझे बताऊँ तो ये प्रशासन की नाकामी है। आपको मालूम है कि एक डेरा फॉलोअर जो हैं वो पहले भी वायलेंट हो चुके हैं। आपको शायद अभी याद होगा कि पहले जब पहली बार इनकी पेशी की बात चली थी 2007 में हम लोग के स्टिंग के बाद में जब सीबीआई ने गतिविधि बहुत तेज कर दी थी तो डेरा के कुछ फॉलोअर्स कोर्ट के सामने आकर खड़े होकर के पेट्रोल के कैन लेकर खड़े हुए थे कि अगर बाबा को यहाँ बुलाया गया तो हम अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके जला लेंगे। तो और उस समय बहुत पूरा छावनी मतलब ये इतने ज्यादा थे कि मतलब पूरी तरह से सिटी भरी हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंटेलिजेंस की आपको रिपोर्ट मिलती रहती है, ये भी क्योंकि एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं इनके खिलाफ में जिस तरह का वर्डिक्ट आया आपने देखा होगा आज, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को इसकी कहीं ना कहीं जरूर होती है कि इस फैसला अगर इस तरफ जाएगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि
धारा 144 भी लगी हुई है, आपने पैरामिलिट्री भी बुला रखी है, मिलिट्री बुला रखी है, स्टेट फंक्शनर भी हैं, क्या कहते हैं, स्टेट मशीनरी भी फंक्शन में है, और इंटेलिजेंस के आपके पास इनपुट है, उसके बाद इसके हजारों समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये अपने आप में मैं तो उसको प्रशासन की नाकामी मानूंगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में सरकार बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इनका ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये कितना है और ये कितना खतरनाक है? देखिए, खतरनाक तो ये इतना है कि इसकी वजह से इनके ऊपर 2002 से मामला चल रहा है और 2017 में फाइनली इनके खिलाफ पहला मामले में आरोपित पाए गए, मामले इनके ऊपर कई हैं, और ये इतनी जो पावर ये वील्ड करते हैं, इतना जो इनके साथ समर्थक जुड़े हैं और इतना धनबल का इनके पास में जो है जो जमा कर रखा है, आपने देखा होगा सुबह कितने कॉन्वाय से, लंबे चौड़े कॉन्वाय से 400 गाड़ियां थी, हमारे ज़माने में 99 गाड़ियों के कॉन्वाय से चलते थे 2007 में, जब पहली बार इनके दर्शन हुए थे मुझे, तो 99 कॉन्वाय की गाड़ी से जा रहे थे, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो और ये जो है सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं आम आदमी के ऊपर ऐसा कुछ होता तो आप जानते हैं उसका हश्र क्या करा जाता है, कहाँ थाने, लोकल थाने से लेकर के आखिर तक क्या उसका अंजाम होता है, तो किसी से छुपा नहीं है। आपको इस मेन बात पे वापस आने से पहले बड़े रोचक सी बात बताता हूँ कि इनका क्लाउड इतना है कि इनकी एक गुफा है, इनके डेरे के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर होके जाना पड़ता है, वो बर्फ का एहसास देने के लिए गुफा बनाई गई है, और पूरे समय हाई एंड एसी चला करते, मतलब आप कांपने लगेंगे इस तरह से, और जो आप जाएंगे तो आप जब पिक्चर देखेंगे वहाँ पे तो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के और जगह के, उनके पैर छूते हुए फोटो हैं, उनके बाबा के पैर छू रहे हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं गुफा के भीतर वो फोटो लगा रखी है इन्होंने। उमा भारती एक बार इनसे मिलने आई थी और किसी बात पे उमा भारती से नाराज हो गए थे, उमा भारती उस समय खेल मंत्रालय में थी, बीजेपी सरकार में 2004 में जब अटल जी सरकार में, तो उन्होंने 2 घंटे उनको डेरा के बाहर इंतजार करवाया था, तो आपको इसका अंदाजा आ चुका है, और ये खाली बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के भी लोग, और कब उनका इनका जो है आशीर्वाद है उनके ऊपर। और सबसे रोचक बात है कि 2014 में आप सोचिए कि 90 विधायक की जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, उसमें से 44 विधायक कैलाश विजयवर्गीय जो हरियाणा के इंचार्ज थे, वो खुद अपने साथ वो 44 विधायक लेकर के इनका आशीर्वाद दिलाने गए थे, और अमित शाह की इनके डेरे पर मीटिंग हुई, बीजेपी प्रेसिडेंट इनके डेरे पर जा करके इनके साथ में मुलाकात करता है, 44 जो विधायक के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो जाकर के कैलाश विजयवर्गीय के छत्रछाया में इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो पॉलिटिकल आप समझ गए कि कितना बड़ा पॉलिटिकल इनका एलिजेंस है, जिस पार्टी के साथ ये कर देते हैं उसकी सरकार समझ लीजिए बन जाती है, इस तरह का हरियाणा में इस तरह का इनका है। आप सिरसा और मालवा बेल्ट में जो रीजन है, खासतौर से जहाँ पे आप फंकी कहते हैं, ओपीएम का जो रेसिड्यू होता है, उससे बहुत पैसा आता है, और कई ऐसे मामले हैं जो बाद में खुलेंगे जिसमें वे बहुत लिप्त पाए जाएंगे, ये तो एक मामला है जो जिसपे अभी इनको पाया गया है, अभी आप वेपन से लेकर के, हो सकता है स्मगलिंग से लेकर के, हो सकता है कि ओपीएम के उस तस्करी से लेकर, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, यू नेवर नो व्हाट विल कम। अच्छा, बाबा के अनुयायियों का कहना है, बाबा का कहना है कि वो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, इस कारण उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए जाते हैं, इस तरह उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, कहने के उनके अनुयायी हैं तो वो कुछ भी कहेंगे, हालांकि मुझे सुन करके हंसी भी आती है इस तरह की बातों पे, और इस पे ये तो एक एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन की बात हो गई, जब तक कि प्रूव नहीं होता है कि एक्चुअली ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और इस दिशा में जाएगा तो काफ़ी ऐसे खुलासे होंगे जिसमें खाली सिर्फ ये हत्या और बलात्कार तक का नहीं रुका रहेगा। अच्छा, वो आपके स्टिंग के दरमियान जो पत्रकार एक रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या हुई थी, उनका भी मामला था, और क्या था वो? मतलब देखिए, छत्रपति जी की हत्या बहुत पहले हो चुकी थी, छत्रपति जी की, और वो रामचंद्र, उनका नाम मैं बोला, रामचंद्र छत्रपति नाम था उनका, वो एक्चुअली बकायदा डेरे में रहे थे, वो डेरे के फॉलोअर बन करके उन्होंने उस तरह से उस जमाने में उतना बड़ा कदम उठाया था, और उसके अंदर रह करके उन्होंने उसके राज निकाले थे। वो क्या होता है कि आप जब धीरे धीरे विश्वास जीतते हैं तो बाहर के सर्किल से धीरे धीरे अंडर के सर्किल में आना शुरू करते हैं, बाबा का स्टाइल है कि आप पहले दिन ही बाबा के पास पहुंच जाएंगे, जब आप विश्वास जीतेंगे तब आप धीरे धीरे पहुंचेंगे, फिर आप उस सर्किल में जाएंगे, सेकेंड सर्किल, थर्ड सर्किल में। तो उसको उन्होंने काफ़ी अंदर तक इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, और वो पेपर चलाते थे वहाँ से, उन्होंने पूरा सच पेपर का नाम था, उन्होंने उसके ऊपर जब एक्सपोजर किया था तो बाबा का जो एक ऑरा और एक जो बना हुआ था कि संत काला बना था, उस इमेज पे बहुत भयानक डेंट लगा था, और शायद यही वजह थी कि बाबा के लोगों ने, मतलब जो अभी एलिगेशन है जिसको जो FIR या CBI जिस मामले का मामला, जिस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस मामले में छत्रपति जी का भी मामला है, और उनके जो सन है उनसे काफ़ी मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी हमारी मदद करी थी उस समय जब हम लोग इस स्टिंग में थे और सोर्सेस को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी इसके लिए, पूरी लड़ाई लड़ी है, और इस मामले में भी अभी फैसला आना है।
अच्छा, एक और आरोप है कि तहलका के ने जो स्टिंग किया था वो इंडिया टीवी पर चला भी था। इंडिया टीवी ने बाद में उस स्टिंग के सारे वीडियोज वीडियोज हटा दिए हैं अपने इंटरनेट से और बाकी जगहों पे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कुछ पत्रकार के जीवन में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो वाकई उसके बहुत दिल के करीब होती हैं। वो जितना भी बुढ़ा हो जाए कोई उससे पूछता है आकर के कि अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या किया, तो दो चार खबरों को सबसे पहले बताता है कि अपनी ज़िंदगी में किया। तहलका, ये जो इस ऑपरेशन झूठा सौदा जो हम लोगों ने किया था, स्टिंग ऑपरेशन, उससे हमारा इसलिए अटैचमेंट था क्योंकि आप जानते हैं लगातार हम लाइव थ्रेट्स को झेल रहे थे। हम अपने मकान बदल रहे थे। जिस दिन स्टिंग ऑपरेशन हुआ उस समय मुझे खबर जानकारी हुई कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उस रिस्क के साथ में हम घर में रह नहीं सकते थे क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने इंडिया टीवी पे सीधे सीधे धमकी दे दी कि हम इनको देख लेंगे जो भी रिपोर्टर हैं। तो हमने रातों रात घर बदला, और एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हमें करना पड़ा। जब हम ट्रैवल करते हैं उधर की तरफ, आज भी जो वर्डिक्ट आया है तो हमारे लिए एक दिल में थोड़ा सा रहता है रिटेलिएशन का कि कोई आदमी रिटेलिएट ना करे। और जब हम लोग दिल्ली पहुंचे 2007 में, हरिंदर पवेजा हमारी बॉस हुआ करती थी, और उन्होंने इंडिया टीवी, ये तय किया गया कि इंडिया टीवी से कोलेबोरेशन में इस स्टिंग ऑपरेशन को एयर किया जाएगा। और उस समय डिजिटल एज तो इतना ज़्यादा था नहीं, वरना लोग अपने डिजिटल पे रिलीज़ कर देते थे, और उतना नेट स्पीड और दुनिया और सारी चीज़ें नहीं थी। तो टीवी के माध्यम के साथ जुड़ जाने से जो रीच होती है वो बहुत वाइडर हो जाती है। तो इंडिया टीवी पे 2007 में ये एयर किया गया, और रजत शर्मा ने उस शो को प्राइम टाइम में एंकर किया। हरिंदर बवाजा भी उसमें गेस्ट थे। वो शो का इतना इम्पैक्ट हुआ है, जिसको आज के टर्म में हम लोग कहते हैं वायरल हो जाना। उस समय वो तो टर्म यूज़ नहीं किया था, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा में लोगों ने बकायदा इंडिया टीवी के पोस्टर और बैनर लगा दिए, रजत शर्मा जिंदाबाद, बहुत बड़ा काम किया आपने, सारी चीज़ें। स्टिंग तहलका का था, लेकिन क्रेडिट खूब जम करके लिया। पूरे दिन, दूसरे दिन आप अगर वो मुझसे मांगे कि आप बताइए उस दिन बुलेटिन में क्या चला था, तो पूरे दिन सिर्फ आपको यही खबर चलाती दिखाई जाएगी। एक तरफ स्टिंग चलता दिखाई देगा, दूसरी तरफ रजत शर्मा जिंदाबाद, इंडिया टीवी जिंदाबाद करते दिखाई जाएगा। 2014 के बाद जब ये गुरमीत राम रहीम से ये सब बीजेपी वाले मिलने गए, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो कि चीज़ें डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो गई, क्योंकि इस खबर को हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, कुछ कोई कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और उसके बाद में इनके पिक्चर रिलीज होने लगी, मैसेंजर ऑफ गॉड और सारी, जिसको लेकर के टीवी पे बड़े बड़े ऐड आने लगे, इंडिया टीवी पे भी दिखाए जाने लगे। तो मुझे दिमाग में खटका कि जिस चैनल पे इनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया है और उसको लेकर के ये चीज़ें हुई हैं और इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, उस चैनल पे उसी आदमी को ये कैसे ला सकते हैं जिसको एक समय ये आरोपी बता रहे थे उस स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे। फिर मैं इंडिया के, मेरा एक हंच हुई, मैंने इंडिया टीवी का जो है खगालना शुरू किया। पता चला कि उसके ऊपर मुझे कुछ मिला ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में भी ढूंढ रहा था, मुझे ज़रूरत थी उसकी, तो नहीं हुआ। हम लोगों ने अभी, मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए खबर लिखी भी है और उनसे पूछा भी है रजत शर्मा से कि आखिर उसको हटाया गया है या क्या है, क्या रीज़न है और उनकी क्या सफाई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब फिलहाल नहीं आया है। तो क्या आप भी इस मामले में सीबीआई से के सामने पेश हुए या पूछताछ की गई आपसे भी? देखिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, हम लोग से तहलका से भी और हम लोगों से भी अच्छा, जानकारी ले गई। 2014 में गुरमीत राम रहीम के ऊपर आरोप लगा कि वो हथियारों की ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, आज जिस तरह से उपद्रव और कर रहे हैं उनके समर्थक, तो आपको कितनी सच्चाई लगती है इस तरह के आरोप? देखिए, की मेरी व्यक्तिगत राय मानिए, अगर मैं आरोप, जिसने बहुत करीब से चीजों को देखा है और डेरे के अंदर रह करके, तो वेपन्स की अगर डेरे को आज की डेट में खंगाला जाए पूरी तरीके से, तो वेपन्स की कोई कमी डेरे के अंदर नहीं मिलेगी। और यही जो बल है इनका, जो आप देखिए इनका, जो आप टीवी में देखिए, जो जिस तरह का ये वॉयल जिस तरह से वॉयलेंस का यूज कर रहे हैं और पूरे पूरे स्टैंड स्टिल में ला गया शहरों को, बताइए दो, आप ये सोचिए कि आप इसको सिर्फ इमेजिन करिए कि एक एक ऐसा कौन सा देश हो सकता है जिसमें एक ढोंगी बाबा, अब तो खैर इनके प्रूव भी हो गया है, एक ढोंगी बाबा के समर्थक पूरे दो दो स्टेट को रैंसम मिले, जहाँ पैरामिलिट्री लगी हुई है, जहाँ मिलिट्री के लोग हैं, जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टेट पुलिस है वो एक्टिव है और आपको पता है कि ये आज ऐसा होगा, और पूरे दो शहरों की जिंदगी को ठप कर दे। आपको पता है कि गुड़गांव में जहाँ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे बच्चों को लोगों ने अपने आज स्कूल नहीं भेजा, जबकि स्कूल ने कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं करी है। एक जो फियर होता है ना, डेवलप हो गया लोगों में, कई लोगों को, मैं कई लोगों को जानता हूँ अपने, मैं अपने कई मित्रों को जानता हूँ, आज उनके कई प्लान थे फ्राइडे, जैसे आप जानते हैं हम लोग सब कैचअप करते हैं, कई तो सब लोगों ने कैंसिल कर दिया। एक एक अननेसेसरी का एक जो होता है ना खौफ, और ये खौफ तब होता है जब
आप देखते हैं कि समर्थक इस तरह से रैंपेज कर रहे हैं और पुलिस के सामने कर रहे हैं, पैरामिलिट्री के सामने कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको कहाँ से बल मिलता है? देखिए, धन और जो ये बल की पावर होती है उसी से इतने स्ट्रांग बने हैं। और बल का मतलब जब आपका आरोप ये ट्रेनिंग ऑन करा है तो कहीं ना कहीं जो है सर, बल के अलावा मुझे जो लगता है वो राजनीतिक बल का होता है। तो क्या सारी पार्टियां वहां पे इनके इशारे पे नाचती हैं या सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस या सब? देखिए, 2014 के बाद से तो ये सीधे सीधे बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए, लेकिन 2014 से पहले कोई शायद ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जो पंजाब और हरियाणा में थोड़ा बहुत जिसका स्टेक हो। इनका मामला बिगड़ा जब इन्होंने सिखों को गुरु के कपड़े पहन करके फोटो खींचा, उसके बाद इससे पूरी जो सिख कम्युनिटी थी वो नाराज हो गई। वरना इनके पास में आप देखिए कौन सा ऐसा नेता, आप खंगाल ही नहीं, आप अगर नेट पे देखेंगे आप जाकर के तो आप देखेंगे कौन सा ऐसा नेता नहीं है जो इनके घर जाकर के उस पंजाब हरियाणा की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखता हो और इनके सर पे दरवाजे पे जाके उसने सर ना झुकाया हो। आप बताइए कि गुरमीत राम रहीम सिंह को, जो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो चेक देकर के आते हैं, 40 लाख या 50 लाख रुपए का चेक देते आते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस कितना है। और ये बिल्कुल सच है कि बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के ये चीज़ें संभव ही नहीं है। वरना आम आदमी का जिस तरह इस जो आम आदमी और के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं और उसके साथ जो होता है और ऐसे बाबाओं के साथ में जो होता है, आप देख रहे हैं लाल लश्कर के साथ अभी भी पूरा सब आतंक फैला के रखा हुआ है, तो इसके पॉलिटिकल जब तक आशीर्वाद नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दवायर से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।